हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। आज मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूँ एक 40 फिट बाय 36 फिट का हाउस डिज़ाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंप्लीट फ्लोर प्लान के बारे में, साथ ही में इसका हम 3D व्यू और एक्सटीरियर वॉक थ्रू भी देखेंगे। साथ ही में अगर आप इसी कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, या फिर आप मेरी वेबसाइट www.homecat.in को विजिट करके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारे पास यहाँ पे G+1 बिल्डिंग है, यानी कि आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान है एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान है। सो यहाँ पे जैसे मैंने डायमेंशन की ऑलरेडी बात की, ये डायमेंशन आपका 40 फिट बाय 36 फिट का आपका यहाँ पे ये फ्लोर प्लान है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप घर में एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एंट्री का सिटआउट एरिया मिलेगा। एंट्री करते हैं यहाँ पे आपको एक डोर है, देखिए ये आपका डोर एंड विंडो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। एंटर करते हैं यहाँ पे अपने आप लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में आ जाओगे। तो एक साइड में हमने यहाँ पे सोफा वगैरह क्रिएट करने के लिए इस तरह से एरिया क्रिएट किया है, और एक तरफ आप यहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ हमने इस तरह से किचन प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो डाइनिंग से यहाँ पे हमने इस तरह से कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया है, यानी कि घर का कोई भी बंदा अगर आता है वो यहाँ पे वॉशरूम को एक्सेस करना चाहे तो यहाँ पे आसानी से एक्सेस कर सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे 2 बेडरूम प्रोवाइड किए हैं। एक बेडरूम का जाने का रास्ता यहाँ से है और सेकेंड बेडरूम यहाँ से, दोनों आपके यहाँ पे लिविंग डाइनिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस वाले बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो इससे हमने यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट भी इस तरह से प्रोवाइड किया है। साथ ही में जो दूसरा बेडरूम है उसमें ऐसा कोई फीचर हमने यहाँ पे नहीं दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो जैसा कि आप देख सकते हो, बैक साइड में यहाँ पे हमने एक सिटआउट एरिया दिया है। सिटआउट एरिया कह सकते हो या फिर यहाँ पे अपना वॉशिंग एरिया वगैरह भी आप यहाँ पे इसको कह सकते हो। तो ये था यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ। तो यहाँ से आप अपना देख सकते हो कि हमने यहाँ पे स्टेयर्स इस तरह से प्रोवाइड किए हैं। तो स्टेयर से आप यहाँ पे राइज करके जैसे यहाँ पे ऊपर आओगे सो आप अपने आ जाओगे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर प्लान पर। तो फर्स्ट फ्लोर प्लान का डोर यहाँ पे इस तरह से आप आ जाओगे सबसे पहले अपने टेरेस पे। सो टेरेस पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने के यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक डोर आपका ये है, एक डोर आपका ये है। आप चाहो तो ये वाला डोर हटा के यहाँ पे पूजा रूम वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, फिर ये वाला सेकेंडरी डोर आपके यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, क्योंकि दो डोर ऐसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है देना आपका, बट हमारा जो क्लाइंट था उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे डोर डोर इस तरह से प्रोवाइड किया है। फिर यहाँ पे हमारा सबसे पहले आप देखो किस तरह के लॉबी एरिया आपको मिल जाएगा। लॉबी एरिया के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यूटिलिटी एरिया है। अब इस यूटिलिटी एरिया को आप यहाँ पे एक्सटेंड करके एक स्टडी रूम या फिर एक बेडरूम भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो। फिर लॉबी से यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे नीचे हमने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट दिया था वैसे हमारा यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है, और लॉबी से यहाँ पे जो आपका नीचे लिविंग एरिया था उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया अपने बेडरूम में। फिर ये हमारा फर्स्ट बेडरूम और लॉबी से यहाँ पे हमारा सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम से बैक साइड में हमने यहाँ पे इस तरह से एक बालकनी भी प्रोवाइड की है। तो ये था यहाँ पे सिंपल आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान। यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर प्लान में अच्छा खासा एरिया मिल जाता है टेरेस का, वो जो कि आपको यहाँ पे 3D व्यू में अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 3D व्यू और एक्सटीरियर वॉक थ्रू की तरफ। तो दोस्तों, ये था हमारा 3D व्यू और एक्सटीरियर वॉक थ्रू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे।
चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।